बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कूलम स्लॉ। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर चार्जेस एक जैसे होंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्स होती है, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब नेक्स्ट है, ये जो फोर्स है इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, यानी ये फोर्स कम कब होगी और ज़्यादा कब होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए कूलम्स ने क्या किए थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म किया था। अब उस एक्सपेरिमेंट से जो उसका रिजल्ट आया था उसको उसने नाम दिया था कूलम्स का। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट हमने दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2, इनके दरमियान जो फोर्स है रिपल्सिव है। और उसके बाद दो हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इनके दरमियान भी सेपरेशन आ रहा है, यहाँ पे भी सेपरेशन क्या है। तो इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी इनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा कूलम फोर्स क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकेंड उसने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कूलम फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है उसके दरमियान जो फासला है उसके स्केल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अगर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको नाम दिया जाता है कूलम्स कांस्टेंट का नाम। और F यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है और Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। Q1 Q2 इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है, और R जो है दोनों के दरमियान क्या है, सेपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम क्या है चार्जेस के दरमियान, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट क्या है, मीडियम बिटवीन चार्जेस, और सेकंड जो है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे हम कंडीशन रख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो चार्जेस के दरमियान मीडियम है वो फ्री स्पेस हो और सिस्टम ऑफ जो यूनिट है वो ऐसा ही हो। तो नेक्स्ट है, इफ मीडियम बिटवीन चार्जेस इज फ्री स्पेस, यानी जो मीडियम है वो हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस, और जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट इज एस आई, और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एस आई। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो के होगा वो आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहां पे 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको नाम दिया जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये हमें बताते हैं कितनी कैपेबिलिटी है फ्री स्पेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने की। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 8.85 into 10 to raise to power minus 12 कूलम स्क्वायर अवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं और इसको हल करें, तो हमारे पास के आ जाएगा
9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि द वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट इज, उसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻⁹। सेकंड, इसके यूनिट क्या होंगे, तो इसके यूनिट होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी तरह यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, वो आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ए है, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन ए। अगर ए इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के की जगह पे आ जाएगा 1/4 π एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अवर आर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास कूलम्ब का।